ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है? गारंटी है भ्रष्टाचार की, ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑफ कार्यक्रम हुआ था, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश भर के विपक्षी नेताओं को कोस रहे थे, भ्रष्टाचारी बता रहे थे, तो नीतीश कुमार के नाम पर सीधे तौर पर मोदी खामोश हो गए। मोदी ने देश भर के नेताओं का नाम लिया, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम नहीं लिए। मोदी लालू को कोस रहे थे, राहुल गांधी को कोस रहे थे, देश के दूसरे विपक्षी नेताओं को कोस रहे थे, सबको भ्रष्टाचारी बताकर उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की बात भी कर रहे थे। लेकिन बिहार की जब बात आई तो यहाँ लालू तेजस्वी तो दिख रहे थे, लेकिन नीतीश नहीं दिखे। मोदी को ना नीतीश दिखते हैं और ना ही नरेंद्र मोदी के सवाल पर नीतीश कुमार के पास कोई जवाब होता है। विपक्षी दलों की एकजुटता पर प्रधानमंत्री के हमले के बाद, तंज कसने के बाद, फोटो सेशन बताए जाने के बाद, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक कार्यक्रम में मीडिया के सामने आए, तो पहला सवाल यही था, नीतीश हाथ जोड़कर निकलते दिखे। मोदी के सवालों का जवाब नीतीश कुमार के पास नहीं था और ना ही नीतीश कुमार कोई जवाब देना चाहते थे। मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया कि आपने बहुत अच्छी बैठक की, लेकिन अब उसे विपक्ष यानी बीजेपी के तरफ से यह कहा जा रहा है कि विपक्षी एकजुटता की जो बैठक थी वो केवल फोटो सेशन था और इसमें शामिल होने वाले तमाम जो विपक्ष के नेता थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं उनके ऊपर भाजपा की सरकार कार्रवाई करेगी। नरेंद्र मोदी का नाम आया तो नीतीश कुमार सवाल सुनकर हाथ जोड़े और आगे बढ़ते गए। आखिर बिहार के अंदर कौन सी सियासत वाली खिचड़ी पक रही है? नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नाम लेने से क्यों परहेज कर रहे हैं? तो मोदी जब भ्रष्टाचारियों के लिस्ट में बीजेपी के नेता चीख चीख कर गला फाड़ के यह कहते हैं कि नीतीश कुमार के शासन में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ, तो फिर पीएम मोदी क्यों चुप हो जाते हैं? नीतीश के नाम लेने से क्यों मोदी कतराने लगते हैं? तो वहीं अब नीतीश भी मोदी के नाम पर जो सवाल है उन सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है? ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑफ कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का
2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। अब दूसरा देखिए, RJD हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला, RJD के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई, एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है। उधर तमिलनाडु में देखिए, DMK पर अवैध तरीके से 1,25,00,000 करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप, TMC पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप, रोजवेली घोटाला, शारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला और कोयला तस्करी घोटाला। बंगाल के लोग ये घोटाला कभी भूल नहीं सकते। अगर मैं NCP की बात करूं तो NCP पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि BJP के किसी कार्यकर्ता को कोशिश करनी चाहिए कि इन पार्टियों का घोटाला मीटर बनाने की एक बढ़िया, आप में से जो इनोवेटिव हो ना, बढ़िया इनके घोटालों का मीटर बढ़ा दीजिए। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची।